हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉपर डाटा जानने वाले, जो कि यह मिनी स्टेटर छोटा स्टेटर है, इसका कॉपर डाटा जानने वाले और साथ में एल्युमिनियम का डाटा भी जानने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो यह है 1 इंची, जो कि मिनी स्टेटर छोटा स्टेटर है, इस तरीके से, जो कि 1 इंची या स्टेटर है। यहाँ पर 3 स्टेटर रखा गया है जो कि 1 इंची का। इसमें 2 स्टेटर एल्युमिनियम का वाइंड किया गया है और 1 स्टेटर यहाँ पर कॉपर वाइंड किया गया है, जिसमें से यह एल्युमिनियम वाइंडिंग है, जो कि यहाँ पर एल्युमिनियम लीड भी निकाला गया है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से वाइंडिंग किया गया और इस वाइंडिंग से एल्युमिनियम लीड को जोड़ा गया है। बाकी दूसरा भी इस तरीके से एल्युमिनियम वाइंडिंग किया गया, तो यहाँ पर एल्युमिनियम लीड भी निकाला गया है। और बाकी जो तीसरा है कॉपर डाटा, जो कॉपर से वाइंडिंग किया गया, उसका मेन लीड कॉपर से निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि एल्युमिनियम वाइंडिंग से एल्युमिनियम लीड और कॉपर वाइंडिंग से कॉपर लीड निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सर्किट ब्रेक का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो यहाँ पर यह कॉपर है और बाकी यह एल्युमिनियम है। छूने से पता लग जाता है कि कौन एल्युमिनियम है कौन कॉपर है। बाकी कलर में तो दोनों सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉपर डाटा बताने वाले हैं। तो यहाँ पर यह सबसे पहले बता दें कि यह 24 स्लॉट की यह मोटर है और इसका इनर डाटा है 2 इंच, जो कि अंदर का चौड़ाई 2 इंच है, और बाहर बाहर की जो स्टेटर के बाहर बाहर की चौड़ाई यहाँ पर 3.5 इंच है, और यह 1 इंच का स्टेटर है, और यह 2800 RPM में रिवाइंड किया गया है, जो कि 2800 RPM में 2 कोयले रनिंग के और 2 कोयले स्टार्टिंग की होती है। तो यहाँ पर यह 2800 RPM 24 स्लॉट की यह स्टेटर है। बाकी इसका रनिंग का पीछे 8-10-12, जो कि सभी में 260-260 टर्न रहेंगे, जो कि माला वाला कॉइल बना के डाला जाएगा घुमा के, जो कि 34 नंबर कापर वायर से वाइंड किया जाएगा, और कॉइल की लंबाई रहेगी 29.5 इंच, और स्टार्टिंग का भी पिच रहेगा 8-10-12 सेम, और बाकी इसमें टर्न घटा के रहेंगे 250-250, जो कि माला वाला कॉइल बना के डाला जाएगा, ये भी 34 नंबर कॉपर वायर से रहेगा। बाकी इसका लंबाई 1 इंच घट के रहेगा 28.5 इंच, और कैपेसिटर इसमें 2.5 माइक्रोफेरेट का लगता है। और बाकी सेम डाटा सेम पिच एल्युमिनियम वाइंडिंग में रहेगा। बाकी इसमें केवल 10-10 टन घटा के रहेंगे रनिंग में 250, और स्टार्टिंग में भी 250 टन रहेंगे। बाकी लंबाई चौड़ाई कॉइल का सब कुछ सेम रहेगा, और तार नंबर भी सेम रहेगा। एल्युमिनियम वायर में 34 नंबर से दोनों को रिवाइंड किया जाएगा, और 34 नंबर कापर से वाइंड किया जाएगा स्टेटर को। तो यहाँ पर इस तरीके से वाइंडिंग करने के बाद दिख रहा है। बाकी मेन लीड के नीचे सेपरेटर जो पेपर लगता है उसको लगा के